नमस्कार, आपका स्वागत है बिजनेस स्टूडियो बाजार में। मैं हूं चेतन भुटानी। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ लॉन्गलाइन मटेरियल्स के डॉक्टर अक्षय सिंगल। अक्षय, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्विकली आपसे सवाल पूछूंगा कि लिथियम प्राइसेस जो है वो लगभग 20% गिर चुके हैं, और अगर मैं कोबाल्ट के प्राइसेस की बात करूं तो 50% एंड कॉपर 18% गिर चुका है। तो इसका मतलब ये है कि क्या आने वाले समय में हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सस्ते हो सकते हैं या अभी होने चाहिए? क्या राय है आपकी? नो, थैंक यू चेतन, ऑलवेज अ प्लेजर। तो जो प्राइसेस गिरे हैं, डेफिनेटली देर इज सिचुएशन की जिसमें जो अभी डिमांड है उससे ज्यादा सप्लाई हुई है थोड़ी सी। तो मतलब माइनिंग ऑपरेशंस इंक्रीज हुए हैं और आपका प्रोडक्शन ऑफ बेसिक जो मटेरियल है, जो ये लिथियम कोबाल्ट कॉपर वगैरह को लेके जो बैटरी के लिए मटेरियल बनता है उसकी सप्लाई बढ़ी है, तो उसकी वजह से प्राइसेस पे इफेक्ट पड़ा है। वो एक फैक्टर है, बट इसके साथ साथ जो प्राइसेस कम हुए हैं वो जो पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से भी एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स है जिसकी वजह से प्राइस कम हुए हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या है हमारे इंडियन इकोसिस्टम पे, वो इमिडिएट नहीं होगा, क्योंकि हम जो है इन सप्लाई चेन्स को कंट्रोल नहीं करते। जितने भी लोग आज, चाहे वो सेल खरीदते हो चाइना से या कोरिया से या कहीं भी बाहर देश से, या फिर मटेरियल्स खरीदते हो सेल बनाने के लिए या बैटरी बनाने के लिए, हम लोग इन 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 सप्लाई चेन्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। हमारे को इनका इस प्राइस रिडक्शन का इम्पैक्ट देखने में एटलीस्ट 6 से 7 महीने लगेंगे, क्योंकि ये जो सस्ता माल है वो जाएगा फैक्ट्री में, बनेगा, उसके बाद इन्वेंट्री बनेगी, फिर हम उसका प्रोक्योरमेंट करेंगे डाउन द लाइन, तब जाके ये इम्पैक्ट आएगा। बट अगर आप ओवरऑल ट्रेंड की बात करें कि मतलब 10 साल के परिपक्ष में और 20 साल के ऊपर क्या होगा, तो ये जाहिर सी बात है कि ये प्राइसेस कम होंगे ही, क्योंकि लिथियम को निकाल के प्रोसेस करने में जितना पैसा लगता है और जितने में वो मार्केट में पर टन बिक रहा है, वो 8 से 10 गुने का डिफरेंस है उसमें। तो 8 से 10 गुना ज्यादा प्राइस अवेलेबल है मार्केट में, तो इसका मतलब ये है कि बनाना, मतलब एक्सट्रैक्ट करना सस्ता ही है, बिक ज्यादा कर रहा है। तो जो जो प्राइस ऊपर चढ़ा हुआ है वो सप्लाई की वजह से चढ़ा हुआ है कि इतने लोग बना ही नहीं रहे, अवेलेबिलिटी नहीं। अब घीज की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो वो महंगा हो जाता, तो क्या लॉन्ग इसलिए टर्म में हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दाम सस्ते होंगे अगर ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में रहा तो? हाँ, तो ओवरऑल प्राइसेस नीचे आएंगे मटेरियल के, और उसकी वजह से बैटरी के प्राइसेस नीचे जाएंगे और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्राइसेस भी नीचे जाएंगे। थोड़ा उतार चढ़ाव चलता रहेगा नेक्स्ट कुछ सालों में, बट लॉन्ग टर्म में ये प्राइस नीचे जाएंगे और वो होना ही पड़ेगा, तभी ईवी इंडस्ट्री ग्रो होगी। तो अक्षय, जैसे आप इंडिजिनियस बैटरी मैन्युफैक्चरर हैं तो क्या आपको भी इस पर फायदा हो रहा है? हाँ, सो ये फायदा होगा हमें, अभी इमीडिएट लेवल पे नहीं हो रहा है, बट ऐसा हम सुन रहे हैं अपने सप्लायर्स वेंडर्स से कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अगर ये ट्रेंड चलता रहा प्राइस रिडक्शन का, तो हमें भी फायदा मिलेगा, ताकि हम आगे कस्टमर्स को ये फायदा ट्रांसफर कर पाएंगे। राइट। आखिरी सवाल अक्षय, अभी ये AIS 156 Part 2 नॉर्म April 1 से आने वाले हैं, क्या इंडस्ट्री तैयार है? और अगर कोई इशू है तो सबसे बड़ा इशू क्या चल रहा है? सो इंडस्ट्री तैयार नहीं है, बिकॉज जो इसका पूरा टाइमलाइन है कि जितने समय में ये सारे अप्रूवल कराने थे वो बहुत ही क्रंच रखा गया था, 2-3 महीने, 3 महीने का हार्डली टाइम था। जबकि अगर आप इस पूरे प्रोसेस को देखें जिसमें कि आपको पहले बैटरी सर्टिफाई करानी है, फिर व्हीकल सर्टिफाई कराना है सेंट्रल लेवल पे, उसके बाद ये पूरा व्हीकल जो है स्टेट लेवल पे सर्टिफाई होगा, और ये सारा प्रोसेस करने में कम से कम 5 से 6 महीने तक लग जाते हैं, और टाइम था 3 ही महीने का। तो देर तो इस उसमें कैसे ये मैनेज होता, तो ये सोचा नहीं गया इन पॉलिसीज को लाने से पहले, सही एनफ टाइम नहीं दिया गया, और जो डिफरेंट बॉडीज रिस्पॉन्सिबल हैं जिनको ये सर्टिफिकेशन करने हैं और अप्रूवल देने हैं, उनको कंसेंसस में ला के एक प्रोसेस नहीं बनाया गया। ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में ये सारे अप्रूवल्स का, और हर 3 महीने में अप्रूवल लाइक स्टैंडर्ड को चेंज जो हो रहा है, और अभी हम सुन रहे हैं कि एक और स्टैंडर्ड चेंज आने वाला है अगले क्वार्टर में, राइट? तो वो ये सब चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं ओवरऑल कि कैसे इसका हो, कैसे अप्रूवल्स होंगे और कैसे आगे बढ़े। बट फायदा ये जरूर हुआ है कि क्योंकि ये स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स आए हैं, तो जो घटिया बैटरी बनाने वाले प्लेयर्स थे और जो घटिया बैटरी प्रोडक्ट्स मार्केट में थे वो बाहर जरूर निकल जाएंगे। बट इसका खामियाजा जो है वो अच्छे बैटरी मैन्युफैक्चरर्स को भुगतना पड़ रहा है, जिसमें कि जो टेंजिबल काम कर रहे हैं तो उनको इतना टाइम ही अवेलेबल नहीं है कि सर्टिफाई टाइम से करा सके। और दूसरी बात यह है कि जो टेस्टिंग बॉडीज हैं उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि सबको वो सर्टिफिकेशन दे पाए। तो क्या सरकार से आपने कुछ
मांगा है, इसके ऊपर टाइम मांगा है, कुछ जवाब मिला है, कुछ हमने मांगा है इसमें? हमने प्रपोजल दिया है कि जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए। अभी मेजरली दो सेंटर्स हैं, आईकैट दिल्ली में और एआरआई पुणे में। पूरे देश में गिवन कितना काम होना है ईवी में, दो सेंटर्स काफी नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं, बैंगलोर में बहुत सारे ईवी स्टार्टअप्स हैं और कंपनीज हैं जो बैटरीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं। तो हमने प्रपोजल दिया है कि आप बैंगलोर में भी एक टेस्टिंग सेंटर खोलिए। तो उस पे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, बट आप जानते ही हैं कि ये एक दिन में होने वाला काम तो है नहीं, तो ठीक समय लगेगा। है अक्षय, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू जतिन। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।